हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो ये वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ में कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, इसमें हम एक सीरीज टाइप की बनाएंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की। तो अभी एक वीडियो है, इसी तरीके के आपके और भी वीडियोज, आपको और भी वीडियोज मिलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं थंबनेल के जरिए, थंबनेल को देख के अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो भैया बेटे जब तक आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा, थ्योरी तैयार नहीं होगा, तब तक आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आप इन क्वेश्चंस को अपने आप से अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, तो पहले सबसे पहले थ्योरी तैयार करिए। थ्योरी स्कूल की जो नोटबुक है, बुक्स हैं, ट्यूशन की जो नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं, और कुछ वीडियोज भी अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। आप पहले उन्हें देखिए, जब आपकी थ्योरी तैयार हो जाएगी तब आप क्वेश्चंस को तैयार करिए, ठीक है। देखो, बिना थ्योरी के आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग फोर रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम। कह रहे हैं कि हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं, सभी के सभी 2 ओम के। कितने के हैं? 2 ओम के, ठीक है। 2 ओम के रेजिस्टर, हम इस इन चारों रेजिस्टर्स को किस तरीके से लगाएं कि रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो देखो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में मिलता है। आपके पास जितने भी रेजिस्टर्स गिवन होंगे, सभी रेजिस्टर्स को आप सीरीज में लगाओ, आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। और मिनिमम के लिए उन्हें पैरेलल में लगा दो। तो सीरीज में लगा देते हैं हम 4 रेजिस्टर्स को, पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, और ये चौथा। ये भी 2 ओम का, 2 ओम का, 2 ओम का, 2 ओम का। सीरीज में क्या करते हैं हम, सिंपली सबको ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 + 2, 8 ओम। कितना हो जाएगा? 8 ओम। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलता है बेटा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है हमें सीरीज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट प्लॉट्स वी आई ग्राफ फॉर द 3 सैम्पल्स ऑफ निक्रोम वायर। मतलब एक स्टूडेंट ने वी आई ग्राफ प्लॉट किया हुआ है निक्रोम वायर के लिए, जिनका रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट होल्ड्स ट्रू फॉर दिस। मतलब हमें इन स्टेटमेंट्स में से चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है, और हमारे सामने ये ग्राफ है, ठीक है। देखो क्या है वी आई ग्राफ, तो पहले थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं इसका। अगर हमारे पास वी आई ग्राफ इस तरीके से है कि वी वाई एक्सेस पे प्लॉट है और आई एक्स एक्सेस पे प्लॉट है, ये, ठीक है। तो वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप मींस यहां से देखेंगे, वी आई ग्राफ का स्लोप यहां से देखेंगे, तो ये स्लोप क्या देगा? स्लोप देता है बेटा रेजिस्टेंस। क्या देता है? रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अगर आई वी ग्राफ है, मतलब इस तरीके से अगर आई को वाई एक्सेस में प्लॉट कर दिया जाए और एक्स को एक्स एक्सेस, वी को एक्स एक्सेस में प्लॉट कर दिया जाए, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये अभी है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या है बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और 1/R। अच्छा, अगर इस केस में रेजिस्टेंस देखना होगा तो हम यहां से देखेंगे, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस को बता रहा है और ये क्या बता रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन अगर वी वाई एक्सेस पर प्लॉट है, आई एक्स एक्सेस पर प्लॉट है, तो ये रेजिस्टेंस को बताएगा, ठीक है। अब हमारे पास 3 ग्राफ थे, देखो आई वी है ना, आई को कहाँ प्लॉट किया? वाई एक्सेस पे, वी को प्लॉट किया एक्स एक्सेस पे। तो इसका ये रेजिस्टेंस हो गया, इसका रेजिस्टेंस ये हो गया, और इसका रेजिस्टेंस ये हो गया। मतलब अगर मैं यहाँ के हिसाब से देखूंगा तो यहाँ के हिसाब से सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? देखो, सबसे ज्यादा एंगल किसका बन रहा है? R2 का बन रहा है, उसके बाद किसका बन रहा है? R1 का बन रहा है, इसके बाद R3 का बन रहा है। मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका हो गया आएगा? R2, फिर R1, फिर R3। लेकिन अगर उल्टा होता, जैसे मैं इसमें बता रहा था, इसमें बता रहा था कि V यहाँ प्लॉट होता, I यहाँ प्लॉट होता, तो हम ये वाले एंगल को देखते। लेकिन अगर आई यहां प्लॉट है, वी यहां प्लॉट है, तो ये वाला एंगल ना देख के तब हम ये वाले एंगल को देखेंगे रेजिस्टेंस के लिए। तो यहां पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? R2 का है, फिर R1 का है, फिर R3 का। तो ऐसा कोई ऑप्शन है
नहीं ये वाला तो नहीं है, ये केरला कह रहा है आर वन आर टू है, नहीं आर थ्री ज्यादा है आर टू से, नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है कि सेकंड वाले ग्राफ का रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब सेकंड वाला है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। चलिए चलिए ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किलो वॉट एंड किलो वॉट आर। ठीक है, तो देखो इन ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना, दोनों में क्या है कुछ डिफरेंस है। देखो किलो वॉट, किलो वॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को। किलो वॉट आर किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी को। ये एनर्जी के लिए है और ये पावर के लिए, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन 2012 में और 2014 में पूछा गया था, है तो क्वेश्चन सिंपल, लेकिन ये वही बच्चा कर पाएगा जिन्हें पावर और एनर्जी के बीच में डिफरेंस पता होगा। पावर क्या है, पावर की यूनिट किलोवाट, और एनर्जी की यूनिट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट किलोवाट। अच्छा किलोवाट को अगर हमें डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करते हैं, देखो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को मैं लिख सकता हूं 1 किलो जूल अपॉन 1 सेकेंड। अगर हमें किलोवाट को डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे, किलोवाट इज द पावर कंज्यूम्ड व्हेन 1 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। मतलब जब 1 किलो जूल का वर्क हो रहा हो 1 सेकंड में, तो जो पावर डेवलप होगी उस पावर को क्या कहेंगे हम, किलोवाट। क्या है किलोवाट, 1 किलोवाट क्या है, इट इज द पावर डेवलप्ड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, यानी 1 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। अभी किलोवाट आर को डिफाइन करना है, तो किलोवाट आर को देखो कैसे डिफाइन करेंगे, किलोवाट का एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, पावर इंटू टाइम, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अभी किलोवाट आर क्या है, इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट यूज्ड फॉर 1 आवर। मतलब क्या है कि 1 किलोवाट का हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और अगर उसे हम 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं, कितने देर तक, 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं, तो जो एनर्जी डेवलप होगी उस एनर्जी को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कौन सी एनर्जी है, मतलब क्या कहेंगे उसे हम, किलो वॉट आर कहेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 1 किलो वॉट पावर की यूनिट है और 1 किलो वॉट आर एनर्जी की यूनिट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्वेश्चन है 2011 का और 12। बहुत सिंपल सा है, कह रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। भैया तो पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। और ये हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। वहीं पे अगर हम एमीटर की बात करें, एमीटर ये करंट को मेजर करता है और ये हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। एक और इसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर ये भी हमेशा सीरीज में लगाया जाता है और ये करता है डिटेक्ट, ये क्या करता है डिटेक्ट किसको, करंट को। तो ये करंट को डिटेक्ट करता है और ये मेजर करता है, ठीक है। तो देखो उसके साथ इस क्वेश्चन के साथ दो मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी। क्वेश्चन था कि कौन से इलेक्ट्रिकल डिवाइस को यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए, तो वोल्ट मीटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज पुल्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। मतलब एक वायर है जिसको हमने खींचा और उसकी लेंथ को डबल कर दिया, अगर पहले उसकी लेंथ एल रही होगी तो बाद में हमने 12 कर दी। व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी, नई रेजिस्टिविटी पूछा। अगर यहीं पे अगर ये क्वेश्चन होता, न्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या होता है स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ध्यान रखना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है। अगर रेजिस्टेंस होता तब अलग हो जाता, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रखा है तो मतलब रेजिस्टिविटी के बारे में ही बोल रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन 2010 में भी आया हुआ है, 11 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या रहे कि अगर हमने एक वायर को खींच के उसकी लंबाई को डबल कर दिया गया तो रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो देखना, रेजिस्टिविटी सिर्फ दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक नेचर पे और एक टेम्परेचर पे। मतलब अगर हमने मटेरियल का नेचर बदल दिया, मतलब जो कंडक्टर है उसका नेचर बदल दिया या टेम्परेचर बदल दिया, तभी जाके रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा। तो हमने ना ही नेचर बदला ना ही टेम्परेचर बदला, तो रेजिस्टिविटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। क्या रहेगी? रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट को और कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। देखो हमें ये तो पता है कि भैया पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, लेकिन साथ ही साथ में पावर की और भी यूनिट होती है, और हम उन यूनिट्स को निकाल सकते हैं उनके फॉर्मुलों से। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा हो जाता है। पावर का देखो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, क्या होता है जूल पर सेकंड भी हो सकती है पावर की यूनिट, ठीक है। दूसरा है कि पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी होता है, आई क्या होता है एम्पेयर का स्क्वायर, आई का स्क्वायर एम्पेयर का स्क्वायर, ओम, ये भी यूनिट हो सकती है। और पावर का फॉर्मूला आपने वी स्क्वायर बाई आर पढ़ा है, मतलब वोल्ट का स्क्वायर पर ओम। पावर का फॉर्मूला आपने वी आई भी पढ़ा हुआ है, तो वोल्ट और एम्पेयर, वोल्ट एम्पेयर भी हो सकती है पावर की यूनिट, ठीक है। तो पावर की ये यूनिट भी हो सकती है, ये यूनिट भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वॉट तो हमें पता ही है, ठीक है। तो अब इनमें से कोई मैच कर रहा है हमारे पास, हमारे साथ वोल्ट एम्पेयर मैच कर रहा है, किलो वॉट आर नहीं होता, वॉट सेकंड नहीं होता, जूल सेकंड भी नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, वोल्ट एम्पेयर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग फोर रेजिस्टेंसेस ऑफ 1/2 ohm ऑफ ईच। देखो ऐसा पहला क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही किया था कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में बनता है भाई, पैरेलल में मिनिमम बनता है, मैक्सिमम बनता है सीरीज में, और 1/2 है, देखो रेजिस्टेंस ही 1/2 है, तो डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे 1/2 + 1/2 + 1/2 कितना मिल जाएगा 2 ohm। देखो मैंने रेसिप्रोकल करके ऐड नहीं किया है, मैंने 1/2 ही यूज किया हुआ है, तो आंसर क्या मिल जाएगा 2 ohm, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इस तरीके का हमने पहला क्वेश्चन भी किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, हाउ इज द एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। देखो बोर्ड भी चाहता है कि भैया तुम पास हो जाओ और अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, ठीक है। अच्छे नंबरों के लिए तो भैया बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन बोर्ड चाह रहा है भैया तुम पास हो जाओ जैसे तैसे। देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करेंट इन अ सर्किट, कह रहा है कि भैया उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जिसको इलेक्ट्रिक करेंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और अगले पार्ट में कह रहा है हाउ इज द एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर इलेक्ट्रिक करेंट। देखो एमीटर को इलेक्ट्रिक करेंट मेजर करने के लिए यूज किया था, तो पहले पार्ट का तो आंसर यही हो गया एमीटर। क्या हो गया पहले पार्ट का आंसर? एमीटर, मतलब आधे नंबर तो तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे, इस क्वेश्चन के आधे नंबर ऐसे मिल जाएंगे। तो पहले वाले पार्ट में पूछ रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, एमीटर, कैसे कनेक्ट करना है। देखो इससे एक दो क्वेश्चन पहले भी करवाया था मैंने आपको कि कैसे कनेक्ट किया था, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता भैया। क्यों लगाते हैं हम सीरीज में? सीरीज में इसलिए लगाते हैं क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है। 2008 में, 11 में, 12 में, 15 में पूछा गया था ये क्वेश्चन,
ठीक है ना, देखो कितना हलवा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा के दे रखा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है यू हैव टू मेटालिक वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओम एंड 10 ओम। कह रहा है कि आपके पास दो वायर्स है, एक 60 ओम का है दूसरा 30 ओम का है, आप इनको किस तरीके से कनेक्ट करोगे कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 आ जाए। 10 में पूछा गया था, 12 में पूछा गया था, तो देखो हम क्या करते हैं, अगर आपको डायरेक्टली पता तो आप बना लो, नहीं पता तो आप क्या क्या करो, पहले सारे केसेस बना के देख लो, दो ही तो है रेजिस्टर्स, तो या तो हम उन्हें सीरीज में लगा देते हैं या तो हम उन्हें पैरेलल में लगा देते हैं। ये देखो सीरीज में लगाने पे देखो कितना आ रहा, 60 प्लस 30 90। क्या 90 बनाना था, 90 नहीं बनाना था, इसका मतलब सीरीज में तो नहीं जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे हम उन्हें, हम जोड़ेंगे उन्हें पैरेलल में। देखो पैरेलल में क्यों जोड़ रहे हैं, ये 60 है ये 30 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सही है, तो 1/60 + 1/30 करेंगे, एलसीएम 60 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा यहाँ 2 आ जाएगा, 3/60 काटेंगे 20, रेसिप्रोकल जरूर करना है तो 20। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम का है, और कैसा है पैरेलल में, तो क्वेश्चन में ये तो पूछ रहा था कि कैसा लगाना है। ठीक है ना, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैज रेजिस्टेंस आर। कह रहा है कि आपके पास एक वायर है या एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका रेजिस्टेंस आर है। एक दूसरा कंडक्टर है, द एरिया ऑफ अनदर सेक्शन अनदर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल। मतलब एक दूसरा कंडक्टर है जिसका मटेरियल क्या है, सेम है, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है। अच्छा अगर मटेरियल सेम है तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, सेम, सेम मटेरियल सेम रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस भी कितना आर है लेकिन इसकी लेंथ कितनी है 12। कह रहा है कि इसका एरिया फाइंड करो, तो पहले तो हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, एरिया निकालेंगे हम यहाँ से तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, रो एल बाई सॉरी ए इज इक्वल्स टू रो एल बाई आर हो जाएगा। अगर मैं इसे वन वाले के लिए कह दूँ तो ये वन हो जाएगा, ये भी वन के लिए और ये सारी चीज़ें सेम से। अच्छा ये लेंथ है वन है। अगर टू वाले के लिए कहते हैं तो ए टू इज इक्वल्स टू रो एल टू अपॉन आर, लेंथ से रेजिस्टिविटी सेम है रेजिस्टेंस सेम है, खाली लेंथ को चेंज किया गया तो एरिया पूछा गया था, तो एरिया देखो अभी मैं दोनों का रेशियो निकाल लूँ तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए वन बाई ए टू क्या मिलेगा, एल वन बाई एल टू। पहला एरिया कितना है ए है, लेंथ कितना है एल है, दूसरा एरिया ए टू मान लेते हैं और लेंथ मान लेते हैं, अब मानना क्या गिवन ही है 12, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए टू की वैल्यू क्या मिलेगा बे 2, ये हो जाएगा 2a। ठीक है तो नया एरिया क्या हो जाएगा बेटे, नया एरिया हो जाएगा 2a, तो देखो 2a कहाँ है, ऑप्शन सी। ठीक है तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, हमारे पास एन रेजिस्टर्स हैं और सभी का रेजिस्टेंस आर है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया एंड देन इन पैरेलल, उसके बाद उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सीरीज एंड इन पैरेलल। मतलब कह रहा है कि हमारे पास एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स थे, एन की वैल्यू नहीं दे रखी है, सिंपली बोल रखा कि एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स गिवन है, पहले हमने उन्हें सीरीज में लगाया फिर उन्हें हमने पैरेलल में लगाया। ठीक है पहले हमने सीरीज में लगाया उसके बाद हमने उन्हें पैरेलल में लगाया। ठीक है तो कह रहे हैं कि सीरीज का जो नेट रेजिस्टेंस और पैरेलल का जो नेट रेजिस्टेंस है इनका रेशियो बताओ। देखो पहले एक चीज समझो, मान लेते हैं हमारे पास 2 ओम का एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 ओम। ठीक है अगर हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है
और तीन है, तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या आता है? तो क्या करेंगे, 2 + 2 + 2, सिंपली हम क्या कर देंगे, 2 × या फिर 2 × 3 या n × 3 कर देते हैं, या सॉरी 3 × 2 कर देते हैं, कि टोटल जितने रेजिस्टर्स थे और हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मतलब 3 × 2। अच्छा, इसी तरीके से अगर 4 होते हैं तो 4 × 2, 5 होते तो 5 × 2, 10 होते तो 10 × 2, अगर n है तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे, n × 2 मतलब 2n। ये सीरीज में हो गया, ये क्या हो गया, सीरीज में। अभी कह रहा कि अगर पैरेलल में होते हैं तो पैरेलल का भी सीखते हैं बेटे। अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स होते हैं इस तरीके से, इसकी भी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2, तो 1/R इज इक्वल्स टू क्या आता, 1/2 + 1/2, चलो 3 मान लेते हैं, एक और मान लेते हैं, तो क्या आता, 3/2। रेसिप्रोकल करते हैं तो आर नेट क्या मिलता, 2/3। अगर 4 होते तो 2/4 हो जाता, 5 होते तो 2/5, 6 होते तो 2/6, अगर n होते तो क्या होगा, 2/n। अच्छा, यहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, तो मैंने तो 2 का एग्जांपल लिया था, ये 2 की जगह क्या है R, तो ये कितना हो जाएगा 2R, ये कितना हो जाएगा R/n। अब नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज अपॉन नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल का रेशियो निकालना है। सीरीज में कितना है 2R, पैरेलल में कितना है R/n, 2R नहीं सॉरी, ये गड़बड़ हो गया था। सीरीज में ये R की वैल्यू हमने 2 ली हुई है, सॉरी हाँ, तो ये कितना हो जाएगा NR, और ये R/n, ये तो ठीक है, तो ये हो जाएगा NR और ये हो जाएगा R/n, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, ये N ऊपर चला जाएगा, तो सीरीज अपॉन पैरेलल का रेशियो कितना हो जाएगा N²। यही तो पूछा हुआ है कि नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज और नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल का रेशियो बताओ, तो रेशियो कितना आ गया बेटा हमारे पास, रेशियो आ गया हमारे पास N² ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कुछ और PYQs के साथ, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए पहले तो आप अपना थ्योरी वाला पार्ट स्ट्रांग करो, जब तक आपका थ्योरी वाला पार्ट स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, ठीक है। पहले आप थ्योरी को बिल्ड करो, उसके बाद उसको न्यूमेरिकल पे जाके अप्लाई कर दो, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, उतने ही आपको आसान न्यूमेरिकल्स लगेंगे, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे, तो न्यूमेरिकल्स इसीलिए तो नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके लिए क्वेश्चंस आसान होते जाएंगे। जब बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बोलते हैं सर इतना क्यों लिख रहे हो, सर आप ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हवा में करो ना इस क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि ऐसे बच्चों ने प्रैक्टिस ज़्यादा किया हुआ होता है और उनके लिए सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, हलवा जैसे ही होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके लिए भी ये क्वेश्चंस कैसे हों, हलवा जैसे हों, तो हलवा तभी बनेगा भैया जब आप पकाओगे, अपने आप बन जाएगा क्या हलवा, अपने आप तो नहीं बनेगा ना, हलवा तो पकाना पड़ेगा, और पकेगा कैसे, मेहनत से पकेगा, जितना ज़्यादा आप उसे गर्म करोगे उतना ही ज़्यादा पकेगा, जलाना नहीं है, ठीक है ना। तो मेहनत करो, और मेहनत करने के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहो, लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़ो, पता चला पढ़ाई छोड़ रहो बाकी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, बाकी चीज़ों में तो इन्वॉल्व रहो लेकिन पढ़ाई भी करो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और PYQs के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालबा कोचिंग क्लासेस के साथ, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, ठीक है।